आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरी रात थी और नरेश रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा था। वह अपने घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई नहीं था, केवल एक पुराना स्टेशन मास्टर अपनी केबिन में बैठा था, जो बाहर की हलचल से बेखबर था। नरेश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि ट्रेन इतनी देर क्यों कर रही है। तभी स्टेशन पर एक पुरानी घोषणा गूंज उठी, प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक विशेष ट्रेन आने वाली है। नरेश को यह अजीब लगा, क्योंकि उसे ऐसी किसी ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं थी। वह थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन फिर सोचा कि यह उसकी आखिरी ट्रेन हो सकती है और उसे घर पहुंचना जरूरी था। थोड़ी देर में दूर से एक ट्रेन की लाइट दिखाई दी। वह ट्रेन बेहद पुरानी लग रही थी, मानो दशकों से नहीं चली हो। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। नरेश ने देखा कि ट्रेन में कोई नहीं था, केवल अंधेरा और एक भयानक सा सन्नाटा। उसे यह सब देखकर घबराहट हुई, पर उसने सोचा कि अगर वह इस ट्रेन में नहीं चढ़ा तो उसे पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ेगी। हिम्मत जुटाकर वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही पुराना और जर्जर था। डिब्बे में हर तरफ धूल जमा हुई थी और खिड़कियों पर मकड़ जाल फैला हुआ था। जैसे ही नरेश ने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी और नरेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ट्रेन के बाहर सब कुछ धुंधला हो चुका था और उसे लग रहा था कि वह किसी अनजाने रास्ते पर जा रहा है। अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। नरेश ने इधर उधर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर अब वह अकेला नहीं है। किसी के कदमों की आवाज उसके पास आती जा रही थी। वह तेजी से उठा और दूसरे डिब्बे की ओर भागने लगा, पर हर डिब्बे में वही अजीब सी ठंड और अंधकार था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया इंसान जैसा था, पर उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल थीं और वह नरेश की ओर घूर रहा था। नरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रेन का इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन चेन हिली ही नहीं। वह किसी तरह अगले डिब्बे में भागा, पर हर जगह वही साए उसे घूर रहे थे। ट्रेन अब एक सुनसान पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे गहरी खाई थी और नरेश को ऐसा लग रहा था कि कोई अनजानी ताकत उसे उस खाई में खींचने की कोशिश कर रही है। तभी ट्रेन ने जोर से झटका मारा और नरेश गिरते गिरते बचा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां परछाइयों का अजीब खेल हो रहा था। अचानक ट्रेन के पिछले डिब्बे से एक जोरदार धमाका हुआ। नरेश ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। वह पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी ट्रेन रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। नरेश ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से कूदकर भागना शुरू कर दिया। वह स्टेशन पर वापस आने की कोशिश कर रहा था, पर रास्ता धुंधला और भयावह था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह एक घने जंगल में पहुंच गया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने एक भारी सांस की आवाज सुनी। वह मुड़कर देखता है तो वही साया अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे नरेश के पास आने लगा। नरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रह गए। साया ने अपना हाथ बढ़ाया और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। नरेश ने देखा कि साये ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वह अब कभी भी वापस नहीं लौटेगा। अगली सुबह रेलवे स्टेशन के कर्मचारी जब उस ट्रेन तक पहुंचे तो वहां नरेश का कोई नामो निशान नहीं था। ट्रेन पूरी तरह खाली थी और स्टेशन मास्टर ने बताया कि वह ट्रेन सालों पहले बंद हो चुकी थी। मगर ट्रेन की आखिरी सीट पर एक पुरानी नोटबुक पड़ी थी, जिसमें लिखा था, यह ट्रेन मेरे लिए नहीं थी, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा।